नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और मेरा नाम है संजय राणा। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, बेसिक रिक्वायरमेंट, स्पर्म, ओवा और टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन, जब स्पर्म तथा ओवम का फ्यूजन होता है जिससे जायगोट की फॉर्मेशन होती है तथा इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब स्पर्म और ओवम दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तथा जायगोट की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं। ए प्रोसेस बाय विच ए डिप्लॉयड जायगोट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम इज कॉल्ड इट एज फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट स्पर्म के प्रोन्यूक्लियाई और फीमेल गैमेट ओवम के प्रोन्यूक्लियाई दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉयड जायगोट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। स्पर्म और ओवम हैप्लॉयड कंडीशन में होते हैं जिन्हें एन से रिप्रेजेंट करते हैं और डिप्लॉयड जायगोट को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पर्म और ओवम में 23 क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं और जायगोट में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिससे कंप्लीटली जायगोट में क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं और वो क्या होता है, डिप्लॉयड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में कौन किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, नंबर एक, फर्टिलाइजेशन के लिए लिक्विड मीडियम की नीड होती है, तरल माध्यम की नीड होती है जिसकी हेल्प से स्पर्म ओवा तक पहुंच जाता है। ये एक्वाटिक एनिमल में, वाटर तथा बेबी पेरस एनिमल में बॉडी फ्लूड हो सकता है। जब फर्टिलाइजेशन की क्या होती है, प्रोसेस चलती है तो एक लिक्विड मीडियम का होना क्या होता है, ज़रूरी होता है, जिसमें स्पर्म ट्रेवल कर या स्विंग कर कहाँ तक पहुँच जाए, ओवम तक पहुँच जाए। ठीक है, जैसे एक्वाटिक एनिमल फिश और फ्रॉग, जिसमें क्या होता है, वाटर क्या होता है, एक्वाटिक मीडियम होता है। बेबी पर्स जो एनिमल्स होते हैं उनमें बॉडी के अंदर का ही क्या होता है, फ्लूड होता है, जिसमें स्पर्म ट्रेवल करके कहाँ पर पहुँचता है, ओवा तक पहुँच जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। नंबर दो देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट है। गैमेट की लाइफ स्पैन लिमिटेड होती है, स्पर्म फीमेल बॉडी में 5 डेज तक क्या रहता है, अलाइव रहता है। इसकी क्या होती है, लाइफ क्या होती है, एक टाइम तक लिमिटेड होती है। अगर उस टाइम के अंदर अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो ठीक है, वरना इनकी क्या होती है, स्पर्म और ओवम की होती है, डेथ हो जाती है, ये क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। स्पर्म फीमेल की बॉडी में लगभग 5 डेज तक क्या रहता है, अलाइव रहता है, यानी कि स्पर्म जिस टाइम स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर करता है उसके बाद 5 डेज तक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की क्या होते हैं, चांसेस बने रहते हैं। ठीक, थर्ड रिक्वायरमेंट देखेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए स्पर्म के नंबर ओवम से ज़्यादा होने चाहिए। जो स्पर्म की जो संख्या होती है ओवम की संख्या से क्या होती है, ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बनी रहे। ह्यूमन के केस में एक बार में 3 ml यानी कि 3 ml सीमेन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, जिसमें लगभग 300 मिलियन क्या होते हैं, स्पर्म की क्या होती है, जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं, संख्या होती है लगभग। ठीक, अब अगली हेडिंग देखते हैं, बात थर्ड हेडिंग की करते हैं, स्पर्म। स्पर्म मेल गैमेट्स होते हैं जिसकी फॉर्मेशन मेल गोनेट या टेस्टिस में होती है। स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, टेस्टिस में होती है। जब जर्मिनल सेल्स में मियोसिस डिवीजन होते हैं तब एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, तथा इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, जितने भी स्पर्म होंगे सब के सब कितने हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे।
जिसमें क्रोमोसोम के नंबर 23 होते हैं। ये मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक, एक कंप्लीट स्पर्म की बॉडी, हेड आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, हेड, नेक और मिडिल पीस एंड टेल में डिवाइड होती है। हेड पार्ट में एक्रोसोमल ग्रेन्यूल तथा प्रोन्यूक्लियाई या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं इतना क्या है, हेड पार्ट है जिसमें सबसे पहले क्या है, एक्रोसोम के नीचे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स और फिर प्रोन्यूक्लियाई। जो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं, एक्रोसोम होते हैं, वो गोल्जी बॉडी से बने होते हैं। ठीक है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मिडिल पीस जिसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं मूवमेंट करने में, और जो टेल वाला पार्ट होता है वो फ्लैजिलेट होता है। क्या करता है, फ्लैजिलेट करता है, मूवमेंट करने में क्या करता है, इसकी हेल्प करता है। स्पर्म जस्ट लाइक टेडपोल की तरह होता है, जो फ्रॉग का क्या होता है, लार्वा होता है। ठीक, अब करते हैं फोर्थ हेडिंग की बात, ओवम। ओवम फीमेल गैमिट्स होता है जिसकी फॉर्मेशन फीमेल गोनड्स या ओवरी में होती है। जैसे स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस में होती है, उसी टाइप से ओवम की फॉर्मेशन किसमें होती है, ओवरी में होती है, फीमेल गैमिट होता है, जिसमें एक एपिथेलियम या जर्मिनल सेल से एक ही क्या बनता है, ओवम बनता है, और जब डिवीजन होता है तो पोलर बॉडी साथ में बनती हैं। ठीक है, ये भी हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। ओवम नॉन मोटाइल होते हैं, ओवम मूवमेंट नहीं कर सकते, ये क्या होते हैं, नॉन मेटा मोटाइल होते हैं। इसका शेप राउंडेड ओवल होता है। इसमें थ्री टाइप की मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे नंबर एक, आप डायग्राम के साथ देखना, कोरोना रेडिएटा, जो सबसे पहली जो मेम्ब्रेन है उसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। कोरोना की तरह इसमें कोरोना की सेल्स लगी होती हैं। ठीक है, नंबर दूसरा जोना पेलिसिडा। नंबर दूसरी जो मेम्ब्रेन होती है वो कहते हैं जोना पेलिसिडा। और नंबर तीसरी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं और एक प्रोन्यूक्लियाई होता है, और बाकी क्या होता है, साइटोप्लाज्म फिल रहता है टोटल ओवम में। ठीक है, अब हमारा स्पर्म ओवम हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन की। अब हमारा हेडिंग है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, देखेंगे कितने टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है एनिमल्स में। प्लेस एंड मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन के बेस पर फॉलोइंग टाइप का होता है। नंबर एक, मोड के बेस पर देखेंगे। नंबर एक, मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन, मोड के बेस पर फर्टिलाइजेशन टू टाइप का होता है। नंबर ए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, देखते हैं क्या होता है, जब हायर यूनिसेक्सुअल यानी कि एक ही बॉडी में एक ही सेक्स यानी कि मेल या फीमेल एनिमल में टू डिफरेंट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल के गैमीट फ्यूज करते हैं, जब एक बॉडी के मेल गैमीट और दूसरी बॉडी के फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, अब दूसरा है हमारा सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जब हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों टाइप के गैमिट्स क्या होते हैं, उन गैमिट्स की फॉर्मेशन होती है, उन्हें क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल या एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं, जब हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल में सेम बॉडी का मेल गैमिट उसी फीमेल गैमिट को फर्टिलाइज करता है तो उसे क्या कहते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल भी देख लीजिए, एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, टैपवॉर्म। ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों टाइप के गैमिट्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और इनके क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या था, ऑल मैमल्स और वर्ड्स, जिसमें सेपरेटली क्या होते हैं,
मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक, अब देखते हैं प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बेस पर कितने टाइप के होते हैं, ये सेकेंड टाइप है। ठीक, प्लेस के बेस पर भी फर्टिलाइजेशन टू टाइप का होता है। नंबर एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देखते हैं क्या होता है। जब स्पर्म एंड ओवा बॉडी के बाहर सराउंडिंग मीडियम जैसे वाटर में फ्यूज होते हैं तो इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका फ्रॉग फिश। मेल एंड फीमेल अपने अपने गैमिट्स को सराउंडिंग मीडियम यानी कि वाटर में रिलीज कर देते हैं और यहीं पर इनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिससे क्या बनता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जो बॉडी के आउटसाइड क्या होती है, आउटसाइड प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसी का सेकेंड टाइप देखते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड हेडिंग की, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनर साइड स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन पर कॉज होता है तो इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के आउटसाइड होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के इनर साइड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में है ह्यूमन एंड ऑल मैमल्स। बोथ कंडीशन के अलावा फर्टिलाइजेशन नंबर ऑफ स्पर्म के बेस पर फॉलोइंग टाइप का होता है। इसमें नंबर के बेस पर देखेंगे कि एक ओवम में कितने स्पर्म क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। ठीक है, मोनो स्पर्मिक। मोनो का मीन्स होता है वन। ठीक है, स्पर्मिक मतलब स्पर्म यानी कि वन स्पर्म। अब आगे देखते हैं, जब ओनली वन स्पर्म सिंगल ओवम में एंटर करता है तथा फ्यूज करके जाइगोट की फॉर्मेशन करता है तो उसे मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे नॉर्मली एक ओवम में एक ही क्या करेगा, एंटर करेगा और वही उसके साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, मोनोस्पर्मिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में क्या है, फ्रॉग फिश इकाइनोडर्म एनिलीड्स। ठीक है, अब सेकेंड है हमारा पॉलीस्पर्मिक। पॉली मीन्स होता है मैनी और स्पर्मिक स्पर्म, मैनी स्पर्म। ठीक है, पॉलीस्पर्मिक, इसमें मोर देन वन स्पर्म ओवम में एंटर करते हैं, एक से अधिक स्पर्म ओवम में एंटर करेंगे। ठीक, व्हाट वन स्पर्म ओवम को फ्यूज करके डिप्लॉय जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। जैसे देखिए एक ओवम है और जिसमें एक से अधिक क्या करेंगे, स्पर्म एंटर तो कर जाएंगे बट एक ही स्पर्म ओवम के न्यूक्लियस से क्या करेगा, फ्यूज करेगा और जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीस्पर्मिक। ठीक है, रिमाइनिंग स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो बाकी वो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, उनके वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसे पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में है रेप्टाइल बर्ड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया फर्टिलाइजेशन का। हम सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बायोकेमिकल स्टेप्स और सिग्निफिकेंस। तो आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप जो भी क्वेश्चन को कहेंगे हम उसे आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।